पूछ सकते हैं सर। होय साहेब, बरोबर सांगतायत केदार साहेब। आम्हाला बघून तो निसटला साहेब। ये देखिए सर, इस पे संजय के फिंगरप्रिंट्स है। ये हमें विक्टिम नंबर 6 के पास मिला था, और लेटेस्ट विक्टिम को भी जिस चाकू से मारा गया था उस पर भी संजय के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। और सर, रात को पेट्रोल करते वक्त हमने कई बार संजय को देखा है, लेट नाइट पागलों की तरह रास्ते पर इधर उधर भटकते हुए। विक्टिम नंबर 7 जिस दिन मरा था सर, उस दिन भी संजय उसी एरिया में था, बिना किसी वजह के यहां वहां घूमता हुआ, करीब करीब हत्या के वक्त। सर सर, मुझे संजय पर पहले से ही शक था, लेकिन मुझे अपने शक पर ही विश्वास नहीं हो रहा था सर। नहीं तू आ रही है? नहीं नहीं ऐसे नहीं। हाँ तुझको आना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं तू आ रही है। अरे अरे अरे, अरे चल। हाँ कमले, सरन साहब को फोन दे। सरन साहब तो कमिश्नर साहब के साथ है सर। लाइन दे मेरे को कमले। साहब कमिश्नर साहब के साथ है। सर को फोन दे कमले। हेलो। हाँ सर, मैंने एक केस तकरीबन सॉल्व कर लिया है। आज रात को एक और हत्या होगी, उसके बाद ये सिलसिला बंद हो जाएगा। सर हमारे पास सिर्फ आज रात का समय है। इस वक्त मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। सर सर मैंने एक केस लगभग सॉल्व कर लिया सर, देखिए आज रात के बाद वो। हाँ हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। अच्छा सर, I'm sorry, sir. Continue. सर संजय को पुलिस की नौकरी बहुत प्यारी थी, लाइफ थी उसकी, लेकिन जिस दिन उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था तब से उसके दिमाग पर उस बात का मानसिक असर पड़ने लग गया था, और अब वो पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। हाँ सर, संजय बोल रहा हूँ। संजय तू कहाँ है बेटा, मैं कब से तुझे फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर, वो मैं घर पे नहीं हूँ। मेरे ध्यान से सुन संजय, केदार को गलतफहमी हो गई है कि ये 8 के 8 मर्डर्स तूने किए हैं। हाँ जानता हूँ सर, लेकिन मेरे पास कुछ जाने बुझाने का वक्त नहीं है तेरे पास संजय। कमिश्नर ने हर सस्पेक्ट को राउंड अप करने का ऑर्डर दिया है, 40 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स के हाथों में तेरे अरेस्ट के ऑर्डर है, इसलिए तेरा भला इसी में होगा संजय कि तू फौरन ये शहर छोड़कर यहाँ से निकल जा। सर वो खूनी खुलेआम घूम रहा है, वो आज भी किसी पर हमला करने वाला है, फिर बेचारा कोई गरीब मारा जाएगा। सर प्लीज आप मेरी बात सुनिए। इस वक्त तुझे अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए संजय। सर देखिए मैं बस बस संजय, अभी के लिए तू शहर से निकल जा संजय। किधर का इन्वेस्टिगेशन मैं खुद कर लूंगा, जब असली किधर का पता चल जाएगा तब मैं तुझे खुद कॉन्टेक्ट कर लूंगा, तब तक तू अपने गाँव चले जाओ। मनाली भी भैया ना? हाँ सर वो वही है, लेकिन इट्स एन ऑर्डर। सर मैं तेरे लिए आज रात ठीक 10 बजे बायकाला ब्रिज के नीचे मेरी सफेद एम्बेसडर भेजूंगा, उसमें मेरा खास कांस्टेबल बैठा होगा, तू बेटा बैठ जाना उसमें, वो तुझे तेरे गांव तक पहुंचा देगा। मैं चला जाऊंगा सर, आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं। संजय तू समझ नहीं रहा है, पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी गई है, लेकिन मेरी पुलिस की गाड़ी में बैठ कर जाएगा तो बच निकलेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी चेक करने की या रोकने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। बात समझ में आई? पुलिस को चकमा देके मैं निकल जाऊंगा सर आसानी से, आपको तकलीफ उठानी जरूरत नहीं। संजय पूरी फोर्स अचानक टॉप गियर में आ गई है, डोंट टेक दिस लाइटली। ऑल राइट सर। ऑल द बेस्ट।
हेलो साहिब, कामली बोलते साहिब। हाँ कामली बोल। साहिब सत्यम साहब ये सारा पुलिस फोर्स आपको ट्रैप करने का प्लान कर रहा है साहिब। उनका प्लान है साहिब कि वो आपसे कहेंगे कि वो आपके लिए गाड़ी भेज रहे, लेकिन इसके पीछे पुलिस का बैकअप होगा साहिब। ये आपको फंसाने की तरकीब है साहिब। सत्यम साहब आपको कुछ भी कहना तो आप उनकी बात पर भरोसा मत कीजिएगा साहिब। साहिब संजय साहिब। हाँ कामले एक मिनट। एक काम करना, 10 बजे मुझे नेशनल पार्क में मिलना चाहिए। अरे नहीं 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 साहब, मैं किसी पछेले में नहीं फंसना चाहता साहब। मेरी नौकरी चली जाएगी साहब, मैं रखता हूँ। कामले हो साहब। बहादुर बन क्या लगता है साहब? 10 बजे नेशनल पार्क, समझा? सलाम साहिब। बैठो बैठो बैठो। कमले ये सडम सर तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत कुछ है, क्लूज कंक्लूजन्स, ठीक है? ओ साहिब, लेकिन साहिब आप यहां से फौरन जाओ साहिब। कैसे जाऊं कमले? उस दिन जब मेरी झड़प हुई थी पत्थर मार के साथ सबवे में, पता है क्या देखा मैंने? क्या साहब? उसके जूते, वो जो सामने स्टील के लगे होते ना, जो जेल के कैदी बनाते हैं, वो मुझे मालूम है साहब। पर तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो जूते खास हमारी यूनिट के लिए बनते हैं, सिर्फ हमारी यूनिट के लिए। 7 नंबर के जूते, हील वाले, भारी भरकम।